हाउ आर यू फ्रेंड टुडे। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अभ्यास 1B क्लास 8 का सेकंड वीडियो, एक मतलब 1B फुल वीडियो, मतलब एक ही वीडियो में 1B अभ्यास कंप्लीटेड। आइए दोस्तों, सत्य और असत्य बताना है हमको, इसको LHS बोलते हैं, इसको RHS बोलते हैं। तो दोस्तों हमको दिखाना है LHS इक्वल RHS के, तो आइए RHS, तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS का मतलब राइट हैंड साइड, यानी कि सब डायरेक्शन 8/5, तो यहाँ पहले RHS है, हम लेफ्ट हैंड साइड चलते हैं, यहाँ राइट कर लेंगे LHS चलने पर, थोड़ी जगह कम है दोस्तों, यहाँ राइट कर लेते हैं LHS चलने पर। तो चलने पर सब डायरेक्शन 4/5 ब्रैकेट ऑफ एडिशन, सब डायरेक्शन 4/5 ब्रैकेट ऑफ, इसको चल लेते हैं, सब डायरेक्शन 4/5 ब्रैकेट ओपन करेंगे हम, यदि ब्रैकेट से पहले एडिशन मार्क हो तो अंदर के मार्क चेंज नहीं होते, तो सब डायरेक्शन, तो सब डायरेक्शन 4/5 लगाइए, इनका एलसीएम लेते हैं 5। अब 5 की 5 में चले 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे 4 आया, 5 की 5 पर चलाए 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे सब डायरेक्शन 4 आया, तो इक्वल कर लेते हैं सब डायरेक्शन 4/4 8/5। ये हमारा LHS है, और RHS क्या है, ये यानी कि LHS इक्वल है RHS के, तो ये क्या है दोस्तों, सत्य है, क्या है दोस्तों, सत्य। आइए अब इस पर चलते हैं, सब ड्रेन 6/7 एडिशन 6 परिमेय संख्या नहीं है, आइए दोस्तों चल लेते हैं, 6/7 एडिशन 6, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, हम इनका LHS वो लेते हैं LCM, 7 आ गया, 7 के 7 पर चले 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे 6 आया, 1 की 7 पर चलाएंगे 7 आया, 7 की 6 पर चलाएंगे 7 6 42, एडिशन 42 आया, 42 में तो जब 6 जाएगा तो 34 बचा अपॉन 7, 42 में 6 जाकर कितने बचते हैं दोस्तों, 36 बचा, 4 क्यों प्लीज 36। अब हम ये देखते हैं, देखना चाहते हैं कि परिमेय संख्या है नहीं, 36/7 परिमेय संख्या कहते हैं किसको है, जिसको P/Q में राइट कर सके, जिसको हम P का मान कोई भी पूर्णांक हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, प्लस या माइनस, लेकिन Q का मान सब डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और नहीं 0 से छोटा होना चाहिए। Q का मान, Q बराबर क्या है 7, क्या Q का मान 0 से छोटा है दोस्तों, नहीं है। क्या Q का मान 0 के इक्वल है, 0 के बराबर है, नहीं है। जब 0 के बराबर नहीं, 0 से छोटा नहीं, 0 से बड़ा है, तो ये फिर क्या हुआ दोस्तों, परिमेय हुआ, ये परिमेय है, और ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, परिमेय नहीं है, तो ये गलत कह रहा है, तो ये असत्य है दोस्तों, ये परिमेय है, क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में राइट कर सकते हैं। अब चल रहे हैं यहां पर, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है। दो परिमेय संख्याएं हैं दोस्तों, चलते हैं, एक तो है 3/4 एडिशन, एक है 7/5, ये ले लेते हैं एक तो संख्या, और नेक्स्ट ले लेते हैं इनका क्रम बदलने पर 7/5 एडिशन 3/4। ये कहना चाह रहे हैं दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने का क्रम, ये परिमेय संख्या है दो, ये और ये परिमेय संख्या है, जब इनका हम जो भी योग करेंगे जो आएगा, तो ये कहना चाह रहे हैं जो इनका हम क्रम बदल दें, इनका स्थान बदल दें, 3/4 को इधर रख दें, तो इनका उत्तर सेम आएगा या नहीं, ये कह रहा है सेम आएगा, तो बिल्कुल सत्य कह रहा है सेम ही आएगा, हम इसको इधर रख दें, इसको इधर रख दें, बात एक ही है, क्योंकि हर वही है LCM उनका वही आएगा, तो सेम उत्तर आएगा दोस्तों, क्या आएगा, चलो देख लेते हैं एक बार, प्रूफ करके दिखाते हैं, इनका LCM क्या आएगा दोस्तों, 20, 4/5 से 25 आया, 5 की 3 पर चले 15 आया, 5/4 से 20, 4/7 जा 28 हुआ दोस्तों। आइए 8/5 13 का 3 किर जा 11, 2/1 3/1 4 अपॉन 20, इसका यह आया दोस्तों। अब इसको चल लेते हैं हम, इसका भी 20 LCM आएगा दोस्तों, 5 की इस पर चलेंगे 4 आया, 4 की 7 पर चले 28, 4/5 से 28, 5 आया, 5 की 3 पर चले 15 आया, और हमने अभी जोड़ा है 15 और 28 कितने होते हैं दोस्तों, 43/20, तो देखो सेम उत्तर आया इसका, तो सही कह रहा है, दो परिमेय संख्याओं के जोड़ने का क्रम बदलने पर योगफल वही रहता है, तो सत्य कह रहा है, ये भी सत्य है दोस्तों। तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता है, वो असत्य कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है दोस्तों, असत्य कह रहा है। 1/3 एडिशन 3/4 एडिशन 7/3 कह सकते हैं।
तीन परिमेय संख्याओं का योगफल, ये तीनों परिमेय संख्या है, इनको हम पी अपॉन क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। अब देखते हैं इनका योगफल परिमेय संख्या होता है या नहीं होता है। हम इनका एलसीएम क्या ले सकते हैं दोस्तों, हम इनका एलसीएम ले सकते हैं 12। 3 की 12 पे चलाई, 4 आया, 4 के ऊपर 1 पे चलाएंगे 4 आया, 4 1 4, 4 3 12, 3 की 3 पे एडिशन 9, 3 3 9, 3 4 12, 4 आया, 4 7 28, 8 और 9 कितने होते हैं 17 17, और 4 21, 21 का 1 क्रिया ले 2 2 और 2 4 अपॉन 12। क्या परिमेय संख्या, ये परिमेय है नहीं है देखते हैं। इसको हम पी अपॉन क्यू के रूप में राइट कर सकते हैं। पी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 41 कोई भी पूर्णांक हो, ऋणात्मक या धनात्मक कोई दिक्कत नहीं, प्लस हो या माइनस। लेकिन क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए या 0 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से छोटा नहीं होना चाहिए, यानी कि माइनस की संख्या नहीं होनी चाहिए और नहीं 0 होना चाहिए। क्या ये 0 है? नहीं है दोस्तों। क्या माइनस की है? नहीं है। तो ये क्या है? परिमेय है। और ये कह रहा है तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन आपके सामने हमने प्रूव करके दिखाया तीन परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है, तो असत्य कह रहा है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? असत्य। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। योगफल परिमेय संख्या है अथवा नहीं, आइए हम इसको इन क्वेश्चनों पर चलते हैं। इनका योगफल जो है परिमेय संख्या है या नहीं है, चलते हैं दोस्तों। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। तो हम एक काम कर रहे हैं, इनको क्लीन कर रहे हैं दोस्तों। आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं क्योंकि जगह कम है दोस्तों, हमें इसी बोर्ड पर थोड़ा एडजस्ट करना होगा। तो आइए हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो आइए दोस्तों, फर्स्ट पार्ट सबसे 3 अपॉन 4 और का मतलब प्लस, यानी कि तथा 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 है। ये कह रहा है ये परिमेय संख्या है या नहीं है। तो चलते हैं दोस्तों, एलसीएम लेते हैं। इनका एलसीएम 4 हो गया, 4 की 4 पे चलाए 4, 1 आया, 1 की 3 पे चलेंगे तो सब 3 आया, 1 की 4 पे चलेंगे 4 आया, 4 की 3 पे चलेंगे एडिशन 12 आया, 12 में तो सब 3 जाएंगे, 9 बचा और अपॉन 4। क्या परिमेय संख्या है? नहीं। आप पी अपॉन क्यू ग्रुप में राइट कर सकते हैं। हमने अभी आपको बताया है पी कोई भी पूर्णांक हो सकता है, क्योंकि मान 0 या माइनस नहीं होना चाहिए। इसका मान 0 नहीं है और माइनस नहीं, तो क्या है? परिमेय है। लेकिन वो कह रहा है परिमेय संख्या है अथवा नहीं, हम राइट कर देंगे परिमेय है। ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर आ चुका। अब सेकंड राइट कर लेते हैं। सेकंड इसका पार्ट सबट्रैक्शन 1 ब्रैकेट और का मतलब एडिशन, सबट्रैक्शन 2 अपॉन 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट चलते हैं। सब डायरेक्शन 1 अपॉन 1, ब्रैकेट से पहले एडिशन मार्ग अंतर का मार्ग चेंज नहीं होते, सब डायरेक्शन 2 अपॉन 3। इनका हम एलसीएम लेते हैं, 3 आ गया, 1 की 3 पर चलाए 3 आया, 3 के ऊपर चलाएंगे सब डायरेक्शन 3 आया, 3 की 3 पर चलाए 1 आया, 1 की सब डायरेक्शन 2 पर चलाएंगे तो सब डायरेक्शन 2 आया, सब डायरेक्शन 3 और सब डायरेक्शन 2, सब डायरेक्शन होता है दोस्तों 5 अपॉन 3। क्या परिमेय है या नहीं देखते हैं दोस्तों। पी का मान कोई भी हो सकता है, धनात्मक या ऋणात्मक, लेकिन क्यू का मान 0 या 0 के बराबर या 0 के छोटा नहीं होना चाहिए। क्या 0 छोटा है? नहीं है। क्या 0 के बराबर है? नहीं है। क्या माइनस में है? नहीं है। तो ये भी क्या है दोस्तों? परिमेय है। तो इसका हम क्या राइट कर देंगे? परिमेय। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, हम इसको क्लीन कर रहे हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन फिनिश हो चुका, हम क्लीन कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 चल लेते हैं हम दोस्तों। 3 का फर्स्ट पार्ट सब डिवीजन 5 अपॉन 8 ब्रैकेट ऑफ एडिशन सब डिवीजन 9 9 अपॉन 13 ब्रैकेट ऑफ इक्वल सब डिवीजन 9 अपॉन 13 ब्रैकेट ऑफ एडिशन सब डिवीजन 5 अपॉन 8 ब्रैकेट ऑफ। क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, दोनों पक्षों को हल कर सत्यापित करना है दोस्तों, यानी कि हमको दिखाना है LHS इक्वल RHS, क्रम विनिमय में दिखाना है, यानी कि इनको स्थान यदि चेंज कर दिया जाए तो इनके समान उत्तर आते हैं या नहीं आते हैं। बेशक समान आएंगे दोस्तों, चल लेते हैं। जब हम इसको ओपन करेंगे सब डिवीजन 5 अपॉन 8 होगा दोस्तों एडिशन, ब्रैकेट से पहले यदि एडिशन मार्के तो अंदर के मार्क चेंज नहीं होते, 9 अपॉन 13 हो गया दोस्तों, इक्वल इधर डायरेक्ट ऐसे ले लेते हैं, सब डिवीजन 9 अपॉन 13 हो गया, ब्रैकेट से पहले है तो सब डिवीजन अपॉन 8 हो गया। हम इनके एलसीएम लेंगे दोस्तों,
हम इनके एलसीएम ले सकते हैं, डायरेक्ट ले सकते हैं दोस्तों, 13 और हमारा 8 होगा दोस्तों। देखो इस पर एलसीएम लेना नहीं आता, इस टाइप से एलसीएम लिया जाता है। 2 से काटते हैं, 13 नहीं कटेगा क्योंकि ये भाज्य संख्या 4 कटेगा। 2 से फिर काटेंगे, 2 जा 4, ये 13 नहीं कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 13 नहीं कटेगा, ये 2 1 2 और काटा। तो क्या है दोस्तों, 2 मल्टीप्लाई 2, अब 13 को हम 13 से ही काटेंगे, 1 बार काटा। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 13, जो भी इन भाज्य गुणनखंडों का गुणनफल होगा वही इनका एलसीएम होगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 104। क्या हुआ दोस्तों, 104। ठीक है दोस्तों, तो हम चल लेते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 104 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चल लेते हैं आगे, तो इनके एलसीएम क्या आ गया दोस्तों, 104। 104 पर जब इसकी चलाएंगे तो 13 आएगा, हमने अभी दिखाया 13 एट जा 104, यानी कि 13 104, 104 की मतलब 13 की 13 आएगी, 13 पंजे 65 यानी कि 65 होगा सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन 13 एट जा 104, 8 आए 8 की 9th पर चलाएंगे 72 हो गया। तो इधर चल लेते हैं दोस्तों, सब्ट्रैक्शन 2 और 5 7, 7 और 6 13 अपॉन 104। अब इधर चल लेते हैं हम दोस्तों, इनका भी एलसीएम यही आएगा जो हमने अभी करके दिखा आपको, 104 सेम ऐसे ही कर दो। इसके चलाएंगे 8 आए 8 की 9 पर चलाएंगे 72 सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन 13 आएगा, 13 के 8 पर चलाएंगे सब्ट्रैक्शन 65 हुआ। तो एक बार चल लेते हैं क्या आएगा दोस्तों हमारा, यह आएगा हमारा 137 सब्ट्रैक्शन अपॉन 104। तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल है RHS के, ये हमने सत्यापित कर दिया दोस्तों। इसी टाइप से क्वेश्चन होंगे, सेम उत्तर कहने का मतलब है यदि किसी भी संख्या को क्रम बदलने पर, सेम संख्या क्रम बदलने पर आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होता, आंसर सेम वही आता है। तो ये जो सेकंड पार्ट है इसका ये भी ऐसे ही होगा, हमने आपके लिए छोड़ दिया दोस्तों, कर सकते हैं। और थर्ड पार्ट भी इसका ऐसे ही होगा सेम। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों, हम इसको क्लियर कर रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। थ्री फिनिश हुआ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 एडिशन बी इक्वल हुआ सब्ट्रैक्शन 15 अपॉन 11। तो बी एडिशन ए का मान बताइए, बी एडिशन ए का मान हमको बताना है। हमने आपको भी बताया है कि नहीं भी दो परिमेय संख्याओं का क्रम बदलने पर, यानी कि स्थान बदलने पर उत्तर में आंसर में कोई चेंजिंग नहीं होती। तो बी एडिशन ए का मान क्या आएगा दोस्तों, यही आएगा, हम आपको बता चुके हैं, सब्ट्रैक्शन 15 अपॉन 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं हम दोस्तों 5 पर, 5 देख लेना दोस्तों, 5 हम कंप्लीट कर रहे हैं। विनी में फिल इन द ब्लैंक्स टॉपिक दे रखा है दोस्तों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आइए, हमने क्रम बदल कर दिखा रखा है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन 12 अपॉन 7 है, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन अपॉन 12 7 है, यहाँ पर 55 अपॉन 11 है, तो यहाँ क्या नहीं है, 5 अपॉन 11 सब्ट्रैक्शन, मतलब क्रम बदल कर दिखा रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, यानी कि हम यहाँ एक्स मान लेंगे संख्या तरह एडिशन सब्ट्रैक्शन चले जाएगी एडिशन के, तो ऑटोमेटिक ये मान जाएगा। अब इधर देख लेते हैं हम, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन 10 है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है दोस्तों, यहाँ है, यहाँ सब्ट्रैक्शन 10 है, 5 अपॉन 6 यहाँ नहीं है, लेकिन और सब बाकी यहाँ है, तो हम यहाँ क्या राइट कर देंगे दोस्तों, 5 अपॉन 6 क्या कर देंगे दोस्तों, 5 अपॉन 6 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स है, आप लॉजिकल, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, आप इन्हें इस टाइप से भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। हमने इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम सॉल्व भी कर चुके हैं, हम इनको भी क्लीन कर रहे हैं दोस्तों, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6, सरल कीजिए, सरल कीजिए। 1 क्वेश्चन नंबर 1 3 अपॉन 4 एडिशन सब्ट्रैक्शन 8 अपॉन 9 ब्रैकेट ऑफ एडिशन 5 अपॉन 8, ये क्वेश्चन है हमारा।
और सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, सब डिवाइड 9 अपॉन 10 एडिशन 22 अपॉन 15 एडिशन 13 अपॉन सब डिवीजन 20, ये क्वेश्चन है हमारा। तो आइए पहले हम पहले क्वेश्चन पर सॉल्व कर लेते हैं। थ्री अपॉन फोर इधर ब्रैकेट से पहले एडिशन मार्क तो अंदर के मार्क चेंज नहीं होते, सब डिवीजन अपॉन 8 अपॉन 9 एडिशन 5 अपॉन 8, हम इनका एलसीएम लेते हैं दोस्तों। क्या लेते हैं दोस्तों? एलसीएम। हम 72 ले सकते हैं, 18 आया, 18 चौके 72 यानी कि 18 फोर जो 72, 18 की इस पर चलाएंगे 54 हो गया, 9 8 जो 72, 8 आया, 8 8 जो 64 सबट्रैक्शन के हो गए, 8 9 जो 72, 9 आया, 9 5 जो 45 आया। अब आइए दोस्तों चल लेते हैं, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 99 हमारे किस चीज़ के हो गए? एडिशन हो गए, और सबट्रैक्शन 64 अपॉन हुआ हमारा 72। तो आइए 9 में से 4 जाकर 5 बचा, 9 में 6 जाकर 3 बचा अपॉन 72, यही हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। हम इस टाइप पे चलते हैं, सरल होगा हमारा। सबट्रैक्शन 9 अपॉन 10 एडिशन 22 अपॉन 15 ब्रैकेट तबले है एडिशन मार्क होता है मार्क, इसको मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्शन 1 मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन 1 से कर देंगे ऊपर चला जाएगा, तो सबट्रैक्शन 13 अपॉन 20 हो जाएगा दोस्तों। भाई हम इनका एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम 60 होगा दोस्तों, ये संख्या सिर्फ 60 है जो तीनों संख्याओं से कट रही है, आप इस टाइप से कर देख सकते हो लॉन्ग टाइप से। 10 6 जा 60, 6 आया, 6 के ऊपर चलाएंगे, 6 9 जा 54 यानी कि सबट्रैक्शन के 54, एडिशन बीच में संख्या 15 4 जा 60, 64 आया, 15 चौके 60, 4 के चलाएंगे 88 आ गया, 15 4 जो 60 4 आया, 4 की 22 पर चलाएंगे 22 जो 88 सबट्रैक्शन 23 जा 60 और 3 की 13 3 जा 39। अब नेक्स्ट चलते हैं, 4 और 9 13 का 3 किर जा 11, 3 और 5 8, 8 और 1 9 सबट्रैक्शन 9 एडिशन 88 अपॉन 60, 3 में से 8 नहीं जाएंगे 10 इधर से ले, 13 में से 8 जाकर 5 बचा, 8 में से 8 गए 0 अपॉन 60। अब ये जो 0 बचे हैं ये कहीं के बचे हैं दोस्तों? किसी के बचे हैं? सबट्रैक्शन के बचे हैं, ये हमारा आंसर आ गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, जो इस संख्या का इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 1 3 अपॉन 7 एडिशन सबट्रैक्शन 5 अपॉन 14 ब्रैकेट ऑफ एडिशन ब्रैकेट सबट्रैक्शन 11 अपॉन 14 ब्रैकेट ऑफ सेकंड क्वेश्चन 2 अपॉन 5 एडिशन ब्रैकेट सबट्रैक्शन 8 अपॉन सबट्रैक्शन 3 ब्रैकेट ऑफ एडिशन 4 अपॉन सबट्रैक्शन 5 ब्रैकेट ऑफ एडिशन ब्रैकेट सबट्रैक्शन 2 अपॉन 3, ये हमारे क्वेश्चन है, ये इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन है। तो चल लेते हैं दोस्तों, अब क्वेश्चन में कहा गया है योग की संक्रिया करके संक्रिया के प्रगुणों का प्रयोग कीजिए, यानी कि मतलब क्रमविनी में क्रम के अनुसार बदलने हैं करना है इसको, 14 अपॉन नीचे है तो 14 इसके भी हर में नीचे है तो इसको श्री के अनुसार लिखा हुआ है, तो ये तो पहले ही राइट हो गए हैं। 3 अपॉन 7 ब्रैकेट से पहले एडिशन मार्क तो मार्क चेंज नहीं होते, सबट्रैक्शन 5 अपॉन 14 ब्रैकेट से पहले एडिशन मार्क तो मार्क चेंज नहीं होते 11 अपॉन 14, तो हम इनका क्या कर सकते हैं दोस्तों? एलसीएम लेते हैं 14, 7 की 14 पर चलाए 2 आया, 2 की 3 पर चलाएंगे 6 आया मल्टीप्लाई, 14 की 14 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे तो 5 आया, 14 की 14 पर चलाए डिवीजन 1 आया, 1 के ऊपर चलाएंगे तो 11 आया। अब चलते हैं, 16 हो गया 11 अपॉन हो गया 14 और दोस्तों एडिशन हो गया 6, 16 में तो 6 जाएंगे तो 10 बचा, सबट्रैक्शन अपॉन हुआ 14, 10 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14 सबट्रैक्शन 5 अपॉन 7, ठीक है दोस्तों? यस। अब आइए इधर चल लेते हैं दोस्तों, ये सबट्रैक्शन में आएगा उसको उत्तर। अब हम कॉल लेते हैं दोस्तों 2 अपॉन 5
ब्रैकेट से पहले हमने आपको बताया था मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन वन, इनको धनात्मक बदलने के लिए सबट्रैक्शन वन, ये हो गया दोस्तों एडिशन 8/3। यदि ब्रैकेट से पहले एडिशन मार्क तो यहाँ मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन वन, इस टाइप से मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन वन, पर ही मेरे को धनात्मक बदलने के लिए या हर को धनात्मक बनाने के लिए ऐसे करते हैं तो हो जाएगा सबट्रैक्शन 4/5, सबट्रैक्शन 2/3। हम इनका भी एलसीएम लेते हैं दोस्तों, इनका एलसीएम आ गया दोस्तों 15, 5 3 15 3 आया, 3 के ऊपर चलेंगे 6 आया एडिशन, 3 5 15 5 5 5 के एडिशन पे चले 40 आया, 5 3 15 3 आया, 3 4 12 आया सबट्रैक्शन 12, 3 5 15 5 आया, 5 2 पर चलेंगे 10 आया सबट्रैक्शन 10। एक और चलते हैं 10 और 12 सबट्रैक्शन 22 एडिशन 46 अपॉन 15, 46 में से 2 गया 4 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा अपॉन 15, 3 8 24 3 5 15, ये हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों। आपको दोस्तों ये हमारी वीडियो कैसी लगी? दोस्तों हमारी वीडियो यदि आपको अच्छे लगे तो कमेंट बॉक्स में आप सुंदर से कमेंट करें, और हमारे जो हमारे न्यू स्टूडेंट है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, एंड प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट फॉलो मी प्लीज़, एंड मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू सो मच।